बहुत मजा आया, बहुत ज्यादा जैसे कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखते हैं क्या कहता है इनका पिता। तो गाइस आप देख सकते हैं मेरा फूड आ चुका है और बहुत सारा आइटम है। सिटिंग एरिया और एम्बियंस बहुत ज्यादा ही ब्यूटीफुल है और बहुत रिलैक्स है और बहुत सुकून है, कोई शोर शराबा नहीं है। आप फैमिली के साथ यार दोस्तों के साथ प्राइवेसी है अपना, आके आप इंजॉय कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? मैं दुआ करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे इंशाल्लाह। और आज आ चुके हैं जाकिर नगर पिज़्ज़ा बाज़ार, नई ब्रांच खुली है, इसका टेस्ट करते हैं। वेज पिज़्ज़ा, नॉन वेज पिज़्ज़ा, पास्ता, बहुत आइटम है। तो आज कुछ नया करते हैं, रोज़ मुगलाई खाते हुए आ रहे हैं हर वीडियो में, तो आज आपको दिखाएंगे पिज़्ज़ा के बारे में। न्यू ओपन हुआ है अभी, हाल फिलहाल ही हुआ है, तो चलिए मैं लेके चलता हूँ आपको अंदर, आइए मेरे साथ, लेट्स गो। तो गाइस आप देख सकते हैं हम आ चुके हैं अंदर और यहाँ का एम्बियंस बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ब्यूटीफुल है। आप सिटिंग एरिया देख सकते हैं, बहुत ही शानदार है और अंदर आती है एक अलग सी वाइब्स आ रही है जो कि बहुत मज़ा आने वाला है। हम पिज़्ज़ा एंजॉय करेंगे इनका और भी बहुत आइटम ऑर्डर करें, बहुत ही अलग अलग वेराइटी के पिज़्ज़ा हैं जो कि आप आके इन्जॉय कर सकते हैं। आपको अंदर आने के बाद लगेगा ही नहीं कि आप बटला हो या जाकिर इलाके में बैठे हुए हैं, ऐसा लगेगा आप दिल्ली के किसी पॉश एरिया में बैठे हुए हैं। तो आप एक बार आके ट्राई करिए इंशाल्लाह, आपको बहुत मज़ा आएगा। अलग अलग वेराइटी के पिज़्ज़ा हैं यहाँ पर, अमेरिकन पिज़्ज़ा है, मैक्सिकन पिज़्ज़ा है और अमेरिकन बर्गर है, वेज बर्गर है, मैक्सिकन बर्गर है, व्हाइट सॉस पास्ता है, रेड सॉस पास्ता है, बहुत ही ज़्यादा वैरायटी है यहाँ पर। आप आके एक एक चीज़ को एंजॉय कर सकते हैं और जैसे ही मेरा फूड टेबल पर आता है तो मैं इंशाल्लाह आपको एक एक चीज़ का रिव्यू खा के अच्छे से और बताऊँगा। वो वेट करते हैं, आप कहीं जाइएगा बस, साथ में रहिएगा वीडियो इंशाल्लाह, पूरी वीडियो देखिएगा और लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। मैं ये सोचता हूँ कभी कभी कि जाकिर नगर जैसे इलाके में इतना अच्छा रेस्टोरेंट खुलना बहुत बड़ी बात है हर इंसान के लिए। मैं अपना ऑर्डर कर रहा हूँ, मैंने ऑर्डर में मैं आपको सिर्फ दो तीन चीज़ों का नाम बताऊंगा, बाकी हम आपको टेबल पर दिखाएंगे इंशाल्लाह। मैंने इनका करा है मिक्स वेज पिज़्ज़ा ऑर्डर, चिकन मैक्सिकन, जो कि इन्होंने मुझे बोला कि आप हमारे यहाँ ट्राई करिए, बहुत ज़्यादा फेमस है और बहुत ज़्यादा जाकिर नगर में इसकी मांग है। और बाकी इंशाल्लाह और भी चीज़ें ऑर्डर करिए, मैं दिखा देता हूँ आपको पूरा मेन्यू कार्ड है, कम से कम मैंने 10 से 12 चीज़ें ऑर्डर करी हैं और इंशाल्लाह टेबल पर जब आएगी तो आपको पूरा दिखाएंगे और पूरा फूड इन्जॉय करेंगे और दब के पहले में। चलिए मिलते हैं, जाइएगा मत, बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए वीडियो। तो गाइस हम कर रहे हैं अपना ऑर्डर का वेट जो कि बहुत जल्दी आने वाला है, उसके बाद हम अपना करेंगे फूड इन्जॉय। और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके क्योंकि बटला हाउस जाकिर नगर में इस तरीके का कोई पिज़्ज़ा का रेस्टोरेंट नहीं था। एक रेस्टोरेंट है हमारे यहाँ हलाल पिज़्ज़ा है, तो ज़्यादातर जगहों पर वही है, बाकी अभी नया खुला है, तो बहुत अच्छा लगा देख के, आने के लिए मुझे इन्वाइट करा और इंशाल्लाह इसका हम रिव्यू आपको एक नंबर देंगे जनरल बिल्कुल। तो आप भी आइएगा ज़रूर और आके बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में कि आपको यहाँ की क्या चीज़ बेस्ट लगी और क्या चीज़ अच्छी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा इंशाल्लाह। आप देख सकते हैं हमारा ऑर्डर आ रहा है, ये है हमारा सैंडविच। तो गाइस आप देख सकते हैं ये नॉन वेज। तो गाइस आप देख सकते हैं मेरा फूड आ चुका है और बहुत सारा आइटम है, तो आप देख सकते हैं बहुत ज़बरदस्त लग रहा है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। और एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये इनका बोनलेस चिकन और बाकी ये मैं आप स्टार्ट करता हूँ इनके चिकन रोल से। तो मैं चिकन आपको खोल के थोड़ा सा चिकन देख लीजिए, आप देख सकते हैं ये है इनका प्याज है और चिकन की दो तीन बोटियाँ हैं और टेस्ट। मेयोनीज है, चिकन उन्होंने चिकन पॉपकॉर्न जो है वो उसमें इंक्लूड करा है। इसकी जो बेस है बहुत सॉफ्ट है, नाइस। रेना मोजिटो वर्जिन मोजिटो, तो गाइस ये है इनका चिकन बोनलेस, आप साइज देख सकते हैं, भारी मात्रा में इन्होंने इसके ऊपर कुरकुरे करने के लिए कॉर्नफ्लेक्स डाला है। और ये हमारे केचप, चिकन का इस्तेमाल कराया उन्होंने बहुत ज़्यादा, और ये है इनकी चिकन विंग्स, बिल्कुल केएफसी फील कर रखा है उन्होंने पिज़्ज़ा बाज़ार वालों ने और बहुत ही ज़बरदस्त है, आप देख सकते हैं पास। फिर इन्होंने पेरी पेरी मसाला ट्राई करा के ऊपर थोड़ा सा स्वाद बढ़ाने के लिए चिकन फ्राई, हम्म,
बहुत तो गाइस ये है इनकी चिकन पॉपकॉर्न जो कि हम ट्राई करते हैं। इन्होंने इसके साथ मुझे वाइट मेयोनीज और चटनी अलग से दी है और ये है इसकी पॉपकॉर्न का साइज़ बहुत ज़्यादा हैवी है। पेरी पेरी मसाला सब चीज़ पर इन्होंने ऐड करा। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, KFC टाइप बिल्कुल KFC। तो गाइस ये है इनका चिकन सैंडविच, छोटे से चिकन के पीसेस हैं, मेयोनीज है और इनकी पंजाबी मेयोनीज है, आप देख सकते हैं। तो करते हैं इसे ट्राई। बहुत अच्छा भी नहीं है और बहुत बुरा भी नहीं है, वर्थ है, आप ट्राई कर सकते हैं। भाई जैसे जैसे शाम ढलती जा रही है रात की तरफ, आप देख सकते हैं क्राउड बढ़ता जा रहा है, मेरे साथ साथ ही पूरी भीड़ लग चुकी है, बैठने की जगह नहीं है, पर कस्टमर के बाहर भी जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं रश बहुत अच्छा है, क्राउड बहुत अच्छा है यहाँ पर। तो आप आगे ट्राई करें इंशाल्लाह। तो गाइस ये है इनका वाइट सॉस पास्ता जो इन्होंने मुझे सजेस्ट करा कि आप हमारे यहाँ का वाइट सॉस पास्ता एक बार ट्राई करिए। आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा ही हेवी लग रहा है, बहुत ज़्यादा बिल्कुल उन्होंने वैरायटी, देख सकते हैं आप कितना गाढ़ा हो कितना वो है। तो करते हैं ट्राई। वाइट सॉस पास्ता मैंने और भी जगह ट्राई करा है, आप देख सकते हैं बहुत पतला होता है, रखा हुए पीस यूज़ करते हैं वो, बाकी ये फ्रेश है जो कि मेरी आंखों के सामने उन्होंने ट्राई करा और पास्ता एक नंबर है। तो गाइस ये है इनका चिकन चीज़ा जो इन्होंने, आपको दिखाता हूँ चिकन का साइज दिखाता हूँ मैं, चिकन पे इन्होंने चीज़ डाल के दिए, बहुत यूनिक लग रहा है देखने में। और करते हैं ट्राई, केचप डाल के आराम से, पिज़्ज़ा टाइप है ये कुछ, थोड़ा सा दिखाते हैं। बहुत ज़बरदस्त, जो भी चीज़ मैंने खाई है किसी में किसी चीज़ की कोई गुंजाइश नहीं है, ज़बरदस्त। अब इनका ट्राई करेंगे पिज़्ज़ा, जो पिज़्ज़ा बाजार की जान है, जो इनकी रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है वो पिज़्ज़ा। तो करते हैं पिज़्ज़ा ट्राई। तो गाइस मैं इनका चिकन पिज़्ज़ा ट्राई करने जा रहा हूँ, थोड़ा सा मैं लेता हूँ केचप और मैंने ओरिगिनो वगैरह डाल दिया है भारी मात्रा में, आप देख सकते हैं इन्होंने वेजीज यूज़ करे हैं। ये है हमारा मैक्सिकन, तो मैं आपको दिखाता हूँ, टूट भी नहीं रहा है। और करते हैं इसको चेक, देखते हैं क्या कहता है इनका पिज़्ज़ा। बेस हल्की सी टाइट है क्योंकि पिज़्ज़ा हल्का ठंडा हो गया हमारा, एसी के नीचे बैठे हैं। बाकी चिकन बहुत अच्छा यूज़ करा, बहुत ज़्यादा यूज़ करा इन्होंने, ओरिगिनो वगैरह है, कैप्सिकम है, गबर है। अब है हमारे पास वेज पिज़्ज़ा जो हम ट्राई करते हैं, मुझे बिल्कुल सेम ही लग रहा है देखने में, बस ये है इसमें आपका चिकन ऐड नहीं है, बाकी सब चीज़ें कैप्सिकम है और आपका कॉर्न है, चीज़ है, मेयोनीज वगैरह है। देखते हैं क्या कहता है पिज़्ज़ा। हर चीज़ परफेक्ट है, बस यही कहना चाहूँगा जो इसकी बेस है जो इसका नीचे का है थोड़ा टाइट हो गया ठंडे होने के, हमें बाकी सब कुछ एक नंबर। बाकी इनका ये बोनलेस चिकन वगैरह था बहुत ज़बरदस्त। तो गाइस ये है इनका चिकन बर्गर, मैं आपको दिखाता हूँ, आप देखिए क्या क्या है अंदर। चिकन है, चिकन पेटी है, बर्गर है, मेयोनीज है, चीज़ है, ऑनियन है। तो करते हैं ट्राई, थोड़ा सा केचप। KFC वगैरह में आपने बर्गर ट्राई करा हुआ वही फील होगा आपको बिल्कुल। इसका जो चिकन है बिल्कुल सॉफ्ट है, उसके अंदर ऑयल नहीं है, आप जरा KFC वगैरह में ट्राई करते होंगे तो बहुत ज़बरदस्त है। आप आके ट्राई करिए, आपको इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा। ये हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट लगी, किसी चीज़ में भी कोई कमी नहीं है, बस ये है आप हैंड टू हैंड लेंगे तो वो चीज़ में ज़्यादा मज़ा आएगा,
मुझे बहुत सारे आइटम साथ लेने थे, तो इसलिए हमारा पिज़्ज़ा थोड़ा ठंडा हो गया, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत मज़ा आया। गाइस ये है हमारी लास्ट चीज़ ओरियो शेक, जो इन्होंने हमें बताया कि हमारे बेस्ट है, और यहाँ पर ज़्यादातर जो फ्रेंडली है फ्रेंड है सब ज़्यादा ये यूज़ करते हैं, तो करते हैं ट्राई। बहुत ज़्यादा मीठा हो गया इसमें, कितना मीठा मैं पीता नहीं हूँ, बहुत बड़ा। तो गाइस सारा ही फूड बहुत ज़बरदस्त है, अब हम अपना फूड करते हैं इन्जॉय और मिलते हैं आपसे वीडियो के एंड में, और जो चीज़ भी खाई जाएगी खाएंगे, वरना पैक करा के अपना करते हैं, देखते हैं बताते हैं आपको इंशाल्लाह, मिलते हैं वीडियो के एंड में। गाइस मेरा पेट भर चुका है और बहुत मज़ा आया यहाँ पर, मैंने आगे इंजॉय करा, तो जो बचा है हम पैक करा देंगे, बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। एक नंबर रेस्टोरेंट है और एक नंबर इसका खाना है, आके आप इंजॉय कर सकते हैं, आप जरूर आए एक बार इंशाल्लाह। और आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि मेरी कोई भी नई वीडियो आती है तो आप जाके देखिए उसे, और ऐसे ही वीडियो हम आपके लाते रहेंगे इंशाल्लाह, ऐसे ही प्यार बना के रखिए। फूड के हम शौकीन हैं, फूड की वीडियो डालते हैं और लगातार ऐसे ही डालते रहेंगे आप इंशाल्लाह। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़, ध्यान रखिएगा।